आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय के ब्रिज कोर्स का सेंटेंस फ्रेमिंग एक्टिविटी 3B जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 23 पर है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। लेट्स कॉम्बाइन एंड राइट, इसे कॉम्बाइन करना है और राइट करना है ना बच्चों। तो इसको बहुत आसान है करना, देखो आप आराम से कर लोगे। इट इज अ चैन, दिस इज अ कप, दैट इज ए बॉल। उसी प्रकार इट इज ए बॉट है ना, इट इज, अब अम्ब्रेला के साथ ए नहीं लगेगा है ना बच्चों, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वर्ड वोवेल से शुरू होते हैं, वोवेल से शुरू होने वाले वोवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, ये पांच जो है ये वोवेल होते हैं। तो वोवेल से जो वर्ड शुरू होते हैं उनके आगे ए नहीं लगता है ना, ए नहीं लगेगा, क्या लगता है उनके आगे? एन। ठीक है बच्चों, क्या लगता है? एन। तो ये बात ध्यान रखेंगे हम बस। तो चलो बनाओ। इट इज ए चेन, ठीक है, फिर हम चलो धीस से बना लेते हैं। धीस इज ए कप, ठीक है, डैट इज अ बॉल, फिर इट इज, अब यहाँ पे यदि हम आई करेंगे तो आई के आगे क्या लगेगा, ए लगेगा या एन? एन लगेगा। इट इज एन आई, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो वर्ड है ये ई से शुरू हो रहा है, जो ई जो है एक वोवेल है, ई क्या है? एक वोवेल है। तो वोवेल वाले जो वर्ड है उनके उनके आगे की तरफ ए नहीं लगता बल्कि क्या लगता? एन। तो इट इज एन आइस, दिस इज, आई के बाद क्या है? अ बॉट, फिर डैट इज, फिर अम्ब्रेला आ रहा है, देखो अम्ब्रेला है। अब अगला क्या है? अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला के आगे ए लगेगा एन लगेगा? एन लगेगा, क्योंकि अम्ब्रेला वोवेल से शुरू होने वाला वर्ड है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डैट इज एन अम्ब्रेला, डैट इज एन अम्ब्रेला, ठीक है। हम फिर से लिखेंगे हम इट इज, अब अगला शब्द है एक्स है, देखो ये रहा एक्स, तो एक्स के आगे ए लगेगा एन? एन लगेगा है ना, क्योंकि ये वोवेल से शुरू हो रहा है। तो इट इज एन एक्स, ठीक है। अगला है दिस इज, एक्स के बाद क्या है? हॉर्स है, हॉर्स, ठीक है, इसके आगे ए लग जाएगा। दिस इज ए हॉर्स, दिस इज ए हॉर्स। उसके बाद अगला है डैट इज एन ओल है, ओ डब्ल्यू एल ओल, ये फिर से वोवेल से शुरू हो रहा है इसलिए मैंने इसके आगे एन लिखा है। और एक और शब्द बच गया बैट, तो इट इज ए बैट हो जाएगा, ए लग जाएगा उसके आगे और ये पूरा हो जाएगा।